जम्मू तवी के ऊपर जो पुल है वहां पर फेंसिंग नहीं लगाई जाएगी? क्या यहां पर लोग सुसाइड करते रहेंगे? ये पुल जो है तवी पुल हो गया, यहां सामने आप देखेंगे गुज्जर नगर पुल जो है उसे देखें। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक शहर समाचार से। क्या जम्मू के जो पुल है, जम्मू तवी के ऊपर जो पुल है वहां पर फेंसिंग नहीं लगाई जाएगी? क्या यहां पर लोग सुसाइड करते रहेंगे? ये पुल जो है तवी पुल हो गया, यहां सामने आप देखेंगे गुज्जर नगर पुल जो है उसे देखें। ये एक पुल है जो सुसाइड पॉइंट बन रहे हैं। पिछले दिनों जब हमने खबरें की थी तो यहां पर लोगों की एक डिमांड ये भी थी कि यहाँ पर फेंसिंग लगाई जाए, कोई ऐसी स्टील की वायरिंग की जाए ताकि यहाँ से लोग कूदे ना, लेकिन अब तक ये नहीं हो पाया है। पिछले दिनों जब हम यहाँ पर खबरें कर रहे थे, जब हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पे हो सकता है फेंसिंग जो है वो लगाई जाए, उस समय इस तरह की जाने, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सुसाइड करने लग गए थे। जिसको मन होता था वो आता था, यहाँ से छलांग लगा लेता था, कुछ मर जाते थे, कुछ की टांगें टूट जाती थी, कुछ की बाजू टूट जाती थी, कोई हड्डी तोड़वा बैठते थे। उस समय जब हमने खबरें की थी तो उस समय ऐसी जानकारियाँ आई थी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पर फेंसिंग की जाएगी। वो एक लंबा अरसा हो गया, लगभग 6-7 महीने हो गए जब ये बातें बाहर आई थी कि हाँ प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है और जल्द फेंसिंग होगी। लेकिन आज से कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी, यहाँ पर एक शख्स जिसकी उम्र 50 वर्ष थी वो यहाँ से कूद गया था। उसकी जान तो नहीं गई लेकिन ज़रूर उस कूदने की वजह से उसको गहरी चोटें आई, हड्डियाँ वड्डियाँ टूटी होगी। तब भी हमने ये कहा था कि ये फेंसिंग जो है कब लगाई जाएगी। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है, अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कोई प्रोजेक्ट बनाया गया तो अब तक फेंसिंग क्यों नहीं? अब तक यहाँ पर कोई ऐसी वायरिंग क्यों नहीं की गई ताकि सुसाइड रोके जाएं? ये रेलिंग जो है वो कितनी स्ट्रांग है वो तो आप जानते ही हैं। पिछले दिनों एक मेटाडोर जो थी वो इसी रेलिंग से टकराती है और ये रेलिंग टूट जाती है और मेटाडोर जो थी वो सीधी तवी पुल के बीच, सूर्यपत्री पुत्री तवी पुल के बीच में जाके गिर जाती है। और तभी ये मांग उठी फेंसिंग करो, फेंसिंग करो। लेकिन जो प्रोजेक्ट की बातें थी क्या वो झूठ थी, फ्रॉड थी? क्या यहाँ पर फेंसिंग नहीं की जाएगी? आज यहाँ पर जम्मू के जो नियम मेयर हैं राजेंद्र शर्मा जी, उन्होंने विजिट किया था। जब वो विजिट करने आए तो उन्होंने देखा कि ये जो रेलिंग है ये बहुत कमज़ोर है, अगर इसके ऊपर फेंसिंग की जाए तो ये सह नहीं पाएगी, ये टूट जाएगी। तो सवाल ये उठा, अब जब उन्होंने ये कहा कि फेंसिंग यहाँ पर तब तक नहीं की जाएगी जब तक ये जो है ये रेलिंग जो है वो इसको दोबारा से तैयार नहीं किया जाता और इसको जो है वो पहले हॉर्ड नहीं किया जाता, तो तब तक फेंसिंग नहीं की जाएगी। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि जो प्रोजेक्ट की बातें आई कि हाँ यहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है वो हम यहाँ पर फेंसिंग करेंगे, तो वो क्या झूठ था, फ्रॉड था? उस समय पुराने मेयर थे, उस समय जो खबरें आई क्या वो फ्रॉड थी? क्या प्लान्ड थी सिर्फ ये बताने के लिए कि हम बहुत काम कर रहे हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ से सुसाइड करते रहे, यहाँ पे आकर छलांगे लगा के मरते रहे, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का सारा खेल है। लेकिन वो आज आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या फेंसिंग करेंगे, फेंसिंग करने से पहले ये रेलिंग जो है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके बाद फेंसिंग की जाए। तो पहले ये होगी उसके बाद वो होगी और लोग यहाँ से कूदते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से नीचे पूजा का सामान लोग लेकर आते हैं। नीचे अगर आपको थोड़ा जूम करके तस्वीरें दिखाई जाए तो आपको दिखेगा कि लोग जो हैं वो जो पूजा का सामान होता है, जो फूल और जो भी पूजा का अर्चना का सामान है, वो यहाँ आकर इस तवी में आके फेंक देते हैं, गिरा देते हैं। जबकि सूर्यपुत्री तवी को साफ रखना हम सब का दायित्व है, लेकिन लोग जो हैं
वो यहाँ पर कोई दायित्वों का निर्वाह नहीं करते। नहर हो वहां पर भी, जब नहरें चलती हैं वहां जाके ये सब उस नहर में डाल देते हैं, और यहाँ आते हैं यहाँ से ऊपर से नीचे गिरा देते हैं गंदगी सारी सारी की सारी नीचे बीच तभी में। इसके लिए भी कोई कंटेनर यहाँ पर लगाया जाए ताकि लोग जो है वो गंदी तभी को गंदा ना करें, क्योंकि अनेक जानवर हैं पशु पक्षी हैं जो इस पानी का सेवन करते हैं। और अगर हम ही लोग गंदा करेंगे, अगर आप किसी विद्वान व्यक्ति से संत से पूछें तो वो कहते हैं कि इस समय धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी से खतरा है तो वो इंसान से है, हम लोगों से है, क्योंकि हम लोगों ने जो तांडव इस धरती के ऊपर मचाया हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन खुद स्वयं अपने दायित्वों का निर्वाह करें या फिर डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर कंटेनर लगा दे ताकि लोग गंदगी ना बनाए। और दूसरा, फेंसिंग जो है वो अभी नहीं हो सकती, पहले इस रेलिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा उसके बाद फेंसिंग होगी। तब तक लोग यहाँ से कूदते रहेंगे, अपनी जान देते रहेंगे, हड्डियाँ तोड़वाते रहेंगे, और ये सब चलता रहेगा। देखने वाली बात है कि कितनी देर तक चलता रहेगा। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें, और देख रहे हैं दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।